हैक्स, बोले तो टिप्स एंड ट्रिक्स, जिन्हें जानने के बाद आप भी बोलोगे ओह माय गॉड वाओ। एंड हाँ, ये जो हैक्स है आईफोन यूजर्स के लिए है। तो एंड्रॉइड वाले क्या करें, एंड्रॉइड वाले भी देख लो नॉलेज के लिए। एंड हाँ, कुछ ऐसे टिप्स भी है जो आप एंड्रॉइड में भी कर सकते हैं। नंबर वन, सेल्फी। अगर आपने आईफोन में कभी सेल्फी लिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप आईफोन में कोई सेल्फी लेते हो तो जो भी सेल्फी आप लेते हो वो सेल्फी क्लिक करने के बाद फ्लिप हो जाता है। फिर आप सोचते हो यार मैंने तो इस साइड की सेल्फी ली थी, ये इस साइड सेल्फी कैसे आ गई। वेल, इसका एक सलूशन है। तो आप चाहते हो कि आपने जो भी सेल्फी क्लिक की है वो फ्लिप ना हो, तो आईफोन की सेटिंग्स पे जाए, कैमरा ऐप पे जाए, उसके बाद वहां पर आपको एक मिरर फ्रंट कैमरा ऑप्शन मिलेगा, उसे टर्न ऑन यानी कि एक्टिवेट कर देना, उसके बाद जो भी आप सेल्फी लोगे वो फ्लिप नहीं होगा। कूल है ना। नेक्स्ट, ये बड़ा ही यूजफुल है और बड़े ही काम की है, और अच्छी बात यह है कि आप इसे एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में यूज कर सकते हो। तो जब भी आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हो या फिर कभी भी चैटिंग कर रहे हो और आपको बीच में किसी टेक्स्ट को एडिट करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, स्पेस बार को, स्पेस बटन को लॉन्ग प्रेस करे रखना है, उसके बाद आप कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं और सिंपली वहां पे ले जाके उसे सिंपली एडिट कर सकते हैं। और ये चीज आप दोनों एंड्रॉइड और iOS दोनों में कर सकते हो, है ना कमाल की बात। अगला जो हैक है वो आईफोन यूजर्स के लिए वरदान है। मैं बात कर रहा हूँ ऐप्स को लॉक करने की, उस पर पासवर्ड सेट करने की। अगर आपने आईफोन यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि आईफोन में आप किसी भी ऐप पे जो पासवर्ड है या फिर कह लो लॉक है वो सेट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक छोटा सा हैक है जिसकी मदद से आप ऐप में, किसी भी ऐप में पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो आईफोन के ऐप्स पर अगर आपको लॉक लगाना है तो सिंपली आपको आईफोन के सेटिंग्स पे जाना है, स्क्रीन टाइम पे जाना है, उसके बाद आपको ऐप्स लिमिट पे जाना है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, पासवर्ड कोड एंटर करना है या फिर पासवर्ड सेट करना है, जो भी आप उस एप्लीकेशन के लिए पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। उसके बाद वहां पर आपको एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप पासवर्ड को सेट करना चाहते हैं या फिर लिमिट लगाना चाहते हैं। उसके बाद सिंपली यहां पर आपको टाइम सेट कर लेना है, कितने टाइम के बाद आप एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं, लाइक 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट के यूज के बाद एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, तो यहां पर आप वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, इतने देर तक आप इस एप्लीकेशन को यूज कर लोगे, उसके बाद दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और जब भी आपको इसको अनलॉक करना होगा तो वो पासवर्ड मांगेगा। अगला जो हैक है ये कलर से रिलेटेड है, जिसमें कलर चेंज हो जाएगा। आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको प्रेस करना, वो ग्रे कलर का हो जाएगा। प्रेस करके देखो, हुआ ना, देखा कितना इंटरेस्टिंग ट्रिक है ना। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको बेल आइकन का भी आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस कर देना और ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करूं ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। देखा कितना यूजफुल है। नेक्स्ट ट्रिक, अगर आपको आईफोन में किसी भी तरह के टेक्स्ट को कॉपी या फिर पेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, जहां भी पेस्ट करना है वहां पर पेस्ट कर दोगे। लेकिन यहां पर एक शॉर्टकट है, आपको सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और 3 फिंगर से आपको क्या करना है, स्वाइप इन कर देना है, तो जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जहां भी आपको पेस्ट करना है, 3 फिंगर से आपको स्वाइप आउट कर देना है, जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि बड़ा ही यूजफुल है और आपको जरूर पता होनी चाहिए। आपको क्या करना है, नोट्स पे जाना है, वहां पर आपको लॉन्ग प्रेस कर रखना है, वहां पर आपको स्कैन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इसकी मदद से आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स को, कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और ईमेल के जरिए आप किसी को भी भेज सकते हैं। यहां पर आपको किसी भी तरह के स्कैनर को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन से ही डॉक्यूमेंट को स्कैन करके किसी को भेज सकते हैं। एक मिनट, इतनी सारी मैंने आपको हैक्स बता दी बट आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, क्या कर रहे हो यार, गलत बात है, जल्दी से अभी इस वीडियो को लाइक करो, फ्री है भाई। नेक्स्ट हैक, अगर आप आईफोन में कैलकुलेटर यूज करते हो और आपने कैलकुलेटर यूज करते हुए कोई भी नंबर गलती से ऐड कर दिया, उसे आप डिलीट करना चाहते हो, तो सिंपली आप स्वाइप लेफ्ट या फिर स्वाइप राइट करके उस नंबर को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, ये उन यूजर्स के लिए है जो आईफोन में नोट्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने पासवर्ड को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, और आप उसमें पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस नोट्स को आपको ओपन करना है, उसके बाद वहां पर आपको ऊपर के साइड में राइट हैंड साइड में 3 डॉट मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, वहां पर आपको लॉक का साइन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सिंपली उस नोट्स पे लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो फाइल है, ये जो नोट्स है, वो बिना पासवर्ड या फिर लॉक के नहीं खुलेगा। अगला जो हैक है वो है आईफोन में फोटोज हाइड करने का। आपको क्या करना है, सिंपली किसी की फोटोज को आपको गैलरी से हाइड करना है, उस पर सिलेक्ट कर लीजिए, उसे ओपन कर लीजिए, उसके बाद वहां पर शेयर का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके नीचे की साइड में आपको आना है, वहां पर आपको एक हाइड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो फोटो है वो हाइड हो जाएगा और आपके नॉर्मल गैलरी से वो हट के वहां पर एक हाइड फोल्डर में चला जाएगा, जो आपको गैलरी के अंदर ही नीचे आके मिलेगा और वहां पर आके आप हाइड पर क्लिक करके उस फोटोज को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको दूसरा तरीका अपनाना है तो सिंपली यहां पर आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एडिट पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करने के बाद वहां पर आपको क्रॉप कर देना है, तो आप जिस पोर्शन को आप दिखाना चाहते हो गैलरी में उसको आप क्रॉप कर देना है। उसके बाद क्या करेगा, वो जो गैलरी फोटो है वो आपको सिर्फ वही क्रॉप वाला पार्ट दिखाएगा। उसके बाद जब भी आपको उस फोटो को पूरा देखना है तो दोबारा से आके आप सिंपली एडिट पर क्लिक करके दोबारा से उसे अनक्रॉप कर सकते हो और आपका जो पूरा फोटो है पहले के जैसा वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि आपके आईफोन में किसी भी स्क्रीन को पिन करना है, फिर आप चाहते हो कि आपका जो आईफोन में जो स्क्रीन है उसके अलावा, उस ऐप के अलावा, उस ऐप के स्क्रीन के अलावा कोई दूसरे एप्लीकेशन या फिर दूसरे चीज को आपके आईफोन में वो यूजर इस्तेमाल ना कर पाए,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है, उसके बाद गाइडेड एक्सेस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर गाइडेड एक्सेस को आपको टर्न ऑन कर देना, उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन को आप पिन करना चाहते हो उस एप्लीकेशन पे जाओ और सिंपली आप पावर बटन को 3 बार प्रेस करो कंटिन्यूसली यहाँ पर, तो जो स्क्रीन है वो पिन हो जाएगा। इसके बाद आप इस फोन को किसी भी यूजर को दोगे तो वो यूजर इस ऐप के अलावा किसी दूसरे ऐप को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और इसे सिंपली अनलॉक करने के लिए आप सिंपल सा दोबारा से 3 बार यहाँ पर पावर बटन को कंटिन्यूसली प्रेस कर सकते हैं, तो जो गाइड एक्सेस है वो अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद आप नॉर्मली अपने फोन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टिप, ये जो टिप है हर यूजर को पता होना चाहिए, अगर आपने आईफोन कभी भी बाई किया और आपको पता करना है कि जो आपने आईफोन बाई किया है वो न्यू है या फिर कहीं सेकंड हैंड तो नहीं है, रिफर्बिश तो नहीं है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, उसे रिपेयर तो नहीं किया गया है, ये आप कैसे पता कर सकते हो? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आईफोन की सेटिंग्स पे जाना है, जनरल पे जाना है, अबाउट सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको मॉडल नंबर मिलेगा और चेक करना मॉडल नंबर में जो सबसे पहला लेटर होगा उस पर चेक करना कि अगर वो एम है तो इसका मतलब है कि जो वो आईफोन है वो न्यू है, अगर वहां पर जो पहला लेटर है वो एन है तो इसका मतलब है कि आईफोन रिप्लेसमेंट वाला आईफोन है, अगर वहां पर एफ लिखा हो पहला अक्षर तो इसका मतलब है कि वो जो आईफोन है वो रिफर्बिश्ड है, और उसी की जगह पर अगर वहां पर पी लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वो जो आईफोन है पर्सनलाइज्ड आईफोन है और यूजर के डिमांड के हिसाब से उसमें पर्सनलाइज किया गया है। तो है ना ये कितना इंटरेस्टिंग और यूजफुल, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे दबा के रख लो ऐसे ही वीडियोस के लिए, और मिलता हूं मैं आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।